नेक्स्ट नाइन लाइव देख रही हैं आप और मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास वीडियो में। वीडियो की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री में किंग खान के नाम से जाने जाने वाले एक्टर शाहरुख खान की। शाहरुख खान की अगर बात करें तो किसी भी तरह के इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। उन्होंने न केवल बॉलीवुड इंडस्ट्री में या इंडिया में बल्कि वर्ल्ड वाइड अपनी ऐसी इमेज बनाई है कि उनकी सबसे ज़्यादा फैन फॉलोइंग मानी जाती है। जी हाँ, आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर्स में शाहरुख खान इकलौते ऐसे एक्टर हैं जिनकी वर्ल्ड वाइड इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है और इसके लिए शाहरुख खान ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल भी किया है। क्योंकि शाहरुख खान की अगर बात करें तो वो कोई स्टार किड नहीं थे, वो एक बाहरी इंडस्ट्री से आए, यानी कि इस इंडस्ट्री में बाहर से आए, उनके कोई कनेक्शन नहीं थे और सिर्फ अपनी एक्टिंग के दम पे शाहरुख खान आज बॉलीवुड इंडस्ट्री के बादशाह कहलाते हैं। शाहरुख की अगर बात करें तो कुछ वक्त तक शाहरुख के लिए बॉलीवुड काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं था, यानी कि बीते 4 साल शाहरुख के लिए काफ़ी ज़्यादा खराब रहे। शाहरुख खान की फिल्म 0 बड़े पर्दे पर बुरी तरह से फ्लॉप हुई। उससे पहले उनकी फिल्म फैन भी रिलीज हुई थी, हालांकि फैंस का सपोर्ट काफ़ी ज़्यादा दोनों फिल्मों को मिला, लेकिन बड़े पर्दे पर कुछ खास कलेक्शन दोनों फिल्में नहीं कर पाई। जिसके बाद एक लंबे इंतज़ार के बाद साल 2023 शाहरुख खान के लिए एक कह सकते हैं गोल्डन पीरियड एक बार फिर से उनके लिए शुरू हो गया, क्योंकि 25 जनवरी को रिलीज हुई फिल्म का क्रेज अभी तक फैंस के बीच बरकरार है। कई ऐसी फिल्में, चाहे सेल्फी हो, शहजादा हो या फिर और भी तमाम फिल्में जो पठान के बाद रिलीज हुई, लेकिन पठान के दमदार कलेक्शन के चलते बुरी तरह से पिटती हुई दिखाई दी। हालांकि आपको बता दें कि रणवीर और श्रद्धा स्टारर मूवी तू झूठी मैं मक्कार की रिलीज के बाद थोड़ा सा फिल्म के कलेक्शन में फर्क पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन अभी भी फैंस इस फिल्म को बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। फिल्म सिर्फ कमाई ही नहीं कर रही है, कई पुराने रिकॉर्ड्स को तोड़ रही है और कई नए रिकॉर्ड्स भी बना रही है। ऐसे में शाहरुख खान की दो और बड़े प्रोजेक्ट से फैंस को बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि शाहरुख खान की फिल्म डंकी और यहां पर दूसरी उनकी फिल्म है जवान, जवान की रिलीज डेट को पोस्टपोन कर दिया गया, जिसकी वजह से फैंस काफी ज्यादा नाराज हैं। दरअसल आपको बता दें कि शाहरुख खान की फिल्म जवान को लेकर कई ऐसी खबरें सामने आई जिसकी वजह से शाहरुख अपने इस फिल्म को लेकर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहते। जी हाँ, पहले शाहरुख खान की फिल्म की स्क्रिप्ट, उनका जो प्लॉट है, स्टोरी है, वो IMDB की वेबसाइट पर लीक हो जाता है। उसके बाद उनकी स्टोरी के कई सीन्स भी लीक हो रहे हैं। ऐसे में शाहरुख खान नहीं चाहते कि जो एक्सपेक्टेशंस उनकी उनके फैंस से है या उनके फैंस को उनसे है वो किसी भी तरह से कम रह जाए, और इसी के चलते शाहरुख ने अब अपनी फिल्म की जो रिलीज डेट है उसे पोस्टपोन कर दिया है। फैंस हालांकि इस फैसले से खुश नहीं है, लेकिन फैंस ये जानते हैं कि अगर शाहरुख ने ये फैसला लिया है तो जाहिर सी बात है कि जवान में पठान से ज़्यादा क्रेज देखने को मिलेगा और वाकई में शाहरुख खान इस फिल्म में कुछ अलग करने वाले हैं। तो अब देखना ये होगा कि शाहरुख का ये फैसला जो जवान की रिलीज डेट को लेकर उन्होंने लिया है, रिलीज के बाद आखिरकार इस ये किस तरीके से फायदा होता है। क्या पठान की तरह जवान में भी थिएटर्स में फैंस जो है वो नाचते गाते दिखाई देंगे, क्या पठान की तरह जवान भी ऐसी ही धूम मचाएगी, इस तरह के तमाम सवाल, इन्हें लेकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बाकी ऐसी खबरों के लिए देखते रहें नेक्स्ट नाइन लाइव।